तभी भूतिया चिड़िया की आवाज घर में बैठे बंटी को सुनाई देती है। अरे ये रात के समय कौन मुर्गी बेच रहा है और वो भी सस्ते दामों पर? चलो एक बार चलकर देखता हूँ और सस्ती हुई तो खरीद भी लूंगा। इतना बोलकर बंटी घर से बाहर निकलता है और मुर्गी खरीदने के लिए उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पास जाता है और जैसे ही वो आत्मा को देखता है वो डर जाता है। तुम तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हो ना कि मुर्गी बेचने वाली। टोनी चिड़िया की आत्मा हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाली हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। अरे इतनी मुश्किल से तो मुझे शिकार मिला है और वो भी मैं छोड़ दूँ कभी नहीं। इतना बोलकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार देती है। अगले दिन उसकी लाश जंगल की पक्षी देखकर हैरान हो जाते हैं। ये बंटी को किसने मार डाला? कल रात ही तो मैं इससे मिलकर गया था, उस वक्त तो ये अच्छा खासा था और अब अचानक से इसकी मौत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रात होती है और फिर से भूतिया चिड़िया की आत्मा अपनी मुर्गियों को ठेले पर लेकर जंगल में बेचने आ जाती है। मुर्गी ले लो मुर्गी, ताजी ताजी मुर्गी, आओ सस्ते दामों पर ले जाओ, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। उस वक्त जंगल में दो चोर चोरी करने के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन बहुत देर तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिससे निराश होकर टुन्नू कालू से बोलता है। यार कालू, आज का दो दिन ही खराब था, पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देखकर उठा था। वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें भूतिया टूनी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर कालू खुशी से बोलता है। वाह क्या बात है, आज भी हम खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। सामने जो वो चिड़िया मुर्गी बेच रही है, हम उसकी सारी मुर्गियाँ चुरा लेंगे और अगले दिन बाजार में उसे बेच देंगे। इतना बोलकर दोनों उस मुर्गी बेचने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाते हैं। वो उसे देखकर डर जाते हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? तुम तो यहाँ मेरी मुर्गी चुराने आए थे, क्यों अब नहीं चुरानी है क्या? नहीं हमें नहीं चुराना, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। शिकारी यहाँ शिकार करने आया था और खुद शिकार हो गया, अब मैं तुम्हें मार कर खाऊंगी। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मार कर खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब हर रोज रात में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पक्षियों का शिकार करती है। ये सब देखकर पक्षी जंगल के सिद्धज्ञानी बाबा के पास जाते हैं। बाबा हमारी मदद करो, जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा पक्षियों को बड़ी बेरहमी से मार रही है, अगर उसे रोका नहीं गया तो इस जंगल के सारे पक्षी मारे जाएंगे। तुम घबराओ मत बेटा, मैं शीघ्र ही तुम्हारी मदद करता हूँ। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ गुस्से में प्रकट हो जाती है। तूने क्यों बुलाया तांत्रिक? तूने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले तू मुझे बता, तू इन जंगल वालों को क्यों मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? और तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे मामले से दूर रहे तांत्रिक। तभी तांत्रिक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर विभूति डाल देता है, जिससे वो जलने लगती है। रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम टूनी था और मैं बहुत ही गरीब थी। मैं इस जंगल में मुर्गी बेचने का काम किया करती थी और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। मेरा काम काफी अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से जंगल के बहुत से पक्षी मुझसे जलने लगे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं मुर्गी बेचने बाजार जा रही थी कि तभी मुझे रास्ते में कड़कनाथ सेठ मिला। टूनी आज तो तू मुर्गा ले आई, लेकिन इसे बाजार में बेच नहीं पाएगी क्योंकि अब तू मरने वाली है और मैं तुझे मारूंगा। तू मुझे क्यों मारना चाहता है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब से तूने मुर्गा बेचने का काम शुरू किया है, तब से बाजार में मेरा काम ठप्प पड़ गया है और इस वजह से आज मेरी भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन आज के बाद मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उससे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चाकू से मेरी गर्दन काट दी, और तभी से मैं अपनी मौत का बदला इन पक्षियों को मार कर ले रही हूँ।
तू अपनी मौत का बदला ले चुकी है, अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तांत्रिक, जब तक मैं इस पूरे जंगल को शमशान ना बना दूं। और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। अपनी शैतानी शक्तियों पर इतना घमंड ना कर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मैं तेरे इस घमंड को इसी वक्त चकनाचूर कर दूंगा। इतना बोलकर बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है और पूरा जंगल उस आत्मा से बच जाता है। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय टूनी बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी सहेलियाँ उसके आस पास बैठी थी। तभी हरी तोती बोलती है, अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने के लिए चलते हैं। सभी सहेलियाँ दूल्हे को देखने के लिए चली जाती हैं। तभी उस जंगल का आवारा गुंडा कालू कौआ टूनी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज मेरी शादी होने वाली है, इस तरह आपको कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। टूनी तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे कई सालों से जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कौन होती हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाली? तुम यहाँ से भी चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। टूनी जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, कालू को उसे चाकू मार देता है। मौके पर ही टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। कालू को वह वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियाँ कमरे में आती हैं, तो टूनी चिड़िया की लाश देखकर चिल्लाने लगती हैं। अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं टूनी की किसने हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर शहर के जंगल से गांव के जंगल लौट रहा था। रात हो चली थी, तभी उसे रास्ते में दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है, कोई इसके साथ भी नहीं। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। बंटी कबूतर भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाता है और उससे कहता है, आप कौन है और यहाँ क्यों खड़ी है? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। आ गया आ गया, मेरा दूल्हा आ गया, अब मेरी शादी इसी के साथ होगी। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार डालती है। अगले दिन बंटी कबूतर की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसी ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी। अब हर दिन किसी न किसी पक्षी की लाश जंगल में मिलती। जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पक्षियों को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आधी रात को कालू कौआ चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के भेष में कालू कौए के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले मैं खुद आगे तेरी दुल्हन बनने के लिए। चल अब तू दूल्हा बन जा, पर दूल्हा बनने से पहले अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे हाथों से मैं तुझे मार दूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौए को मार डालती है और फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से फिर जंगल में किसी पक्षी की लाश नहीं मिलती। सारे पक्षी राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।